वेलकम टू माय टीचर पे, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों का आशीर्वाद से अभी फिलहाल ठीक हो, क्योंकि मैं दवाई खा के अभी ठीक हो चुकी हूँ, फिट हो गई हूँ। और आप लोगों का जैसे कि अपनी ब्लॉग में आप सभी को पता चल गया है कि इस बार मकर संक्रांति बड़े इंजॉय करने वाले, वो भी मैं अपने घर पर नहीं, मेरे डेढ़ सास के घर पर। क्योंकि यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद क्या होगा, तुरंत के खाओ पियो और सो जाए, यही सिस्टम होगा। तो सबसे अच्छी यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद डायरेक्ट मेरे डेढ़ सास के घर में थोड़ा जाकर डांस मटक मटक करना होगा, क्योंकि मैं डेढ़ सास नहीं करती। मैं डेढ़ सास खुद इंजॉय करते हैं और मुझे भी इंजॉय करने में पीछे नहीं छोड़ती हूँ, बोलती इंजॉय करो, जब तक लाइफ है तब तक अपने लाइफ को इंजॉय करने से पीछे मत हटो, ऐसे बोलती मैं डेढ़ सास। इसलिए और रोहित जी अभी ना आए काम से, तो आप लोग एक बात बोलनी भूल गए, सॉरी। अभी मैं आप लोगों को बोलते हैं रोहित जी के बारे में, ठीक है। रोहित जी अभी जस्ट काम में से आए, तो मैं एक सामान ऑर्डर की थी, यानी कि नाक का फुली ऑर्डर की थी, क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगा था, तो मैं साड़ी पहनने वाली और लहंगा वहंगा ये सब भी पहनने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि ये फुली, मतलब ये तो गोल्ड का है, ये मुझे दी थी अंकिता दीदी बर्थडे पे, मेरी अभी 3 साल 4 साल होने जा रही है नाक का पहने हुए, तो तब दी थी दीदी, तो अभी तक मैं पहनी ही हूँ इसको। बीच में मैं ना पॉलिश भी कराई थी, बट यहाँ पे फिर से गंदा हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। तो रोहित जी ना पार्सल लिए थे, तो पार्सल के लिए ना क्या बोले ना, हम नहीं लेकर का है ऐसे बोल के बोल, तो हम ना रोने लग रहे थे, मतलब रोने जैसे मेरा फेस हो गया था। तो फिर रोहित जी अभी ना मेरे को सरप्राइज दिए, तो हम आप लोगों को बताते कि क्या बोले थे, आप लोग सब पूछाते हैं, ठीक है। इधर आ चुके रोहित जी, तो हम आप लोगों को बैठ के मतलब सब पूछाते क्या बोले थे। बोलो क्या बोला था गो, जब मैं पार्सल नहीं आया बोला तो क्या बोल रहा था, बता जल्दी जल्दी बोलो ना, तुम झूठ बोल रहे हो। बोला था ना अभी कि कल आएगा पार्सल, आज नहीं लिया, ऐसे बोल के नहीं बोल रहा था। अभी फोन किया था कल, क्या अच्छा कल हमको फोन किया था। अच्छा फोन किया तुम, तो मेरे को बोला कि आज फोन किया था, कल हमको पहले दो, हमको कल फोन किया था, हम पहले बोला ना, कल हमको फोन किया था, हमको बोला कि पार्सल आया बोल के ऑर्डर आया, फिर बोला कि हमको बोला, हम बोले कि हम तो बैठ टाइम, हमको पूछा, हम पहले उसे पूछे ना कि कहाँ पर ये, तो बोला कि मॉल से नहीं, हम बोले कि हम बस टाइम में काम कर रहे हैं, बस टाइम तो दूसरा कोई गया ऑर्डर लेके गया बोला, तो फिर हम बोल दिए कि हम बस टाइम आने सकेगा, था ये बोले, हमको बोला कितना बजे तक आओगे, तो हम बोले 6 बजे तक, हमको फिर बोला कि कल लेने से नहीं चलेगा, हम बोले ठीक है कल दे दीजिएगा, लेकिन आज आया, लेकिन हम घर में बोले कि आज हमको फोन किया था, कल लेना लेने नहीं गए, और कल लेना है बोले, तो हम रोने लगे थे। फिर अभी हमको ला करके दिखाए, क्या होगा दिखा, ये रहा छोटा सा गिफ्ट है मेरे लिए मकर संक्रांति में ना, तभी हम इसको खोल के दिखाते हैं आप लोगों को, एक इसको खोलना हमको एक्साइटेड कि इसमें कैसे तरह का होगा, लो हम कैची उची पहले लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ना अभी हम बाबू का मतलब ग्लव से लेकर आते ना हाथ का, ये ग्लव्स को ना ये रस्सी बंधा हुआ था, तो आप लोग बताइए ये ग्लव्स कैसे लग रहा है बाबू का, ये पता है बहुत मुश्किल से मेरे को मिल, रोहित जी को बोला, रोहित जी बोला कि मेरी दुकान पर नहीं है, दूसरा दुकान पर मिल सकता है, इसलिए हमने दूसरा दुकान से लेकर आया था दो अलग टोपी, ये पहना है बाबू, कैसे लग रहा है बताइए, मेरे बेटू सो रहे हैं यहाँ पे, तो अभी रोहित जी यहाँ पे खोल रहे इसको, तो यहाँ पे रोहित जी अभी ओपन कर रहे इसको, तो चलिए आप लोग बने रहिए, फटाफट ओपन कर लेते हैं, फिर आप लोग दिखाते हैं, जल्दी करो ना गो, इतना लेट क्यों करो, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे फाड़ दो बीच से इसको, पढ़ दो आपको पता, न्यू न्यू सामान देखने में, न्यू न्यू सामान ये करने में हमको बहुत मज़ा आता है फ्रेंड, बड़ी सुंदर लगता है, क्योंकि हमको स्टार्टेड जो रहता है ना मन में, वो अलग ना खुशी का बयान नहीं कर सकता आप लोगों को, कितना खुश लगता है हमको। तो रोहित जी फाड़ दो ना उसको डब्बा को भी, इतना छोटू सा साइट है और इतना बड़ा डब्बा दिया, मीशो से मंगाया है फ्रेंड, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बताइए, मैं इसका लिंक दूंगी, इतना छोटा सा सामान और कितना बड़ा डब्बा में फोल्ड कर, बट एक तरह से बताएंगे बड़ा ही सुंदर से रेप करके देते हैं इनको, हाँ एक ही टू तो मंगाए थे, ये देखिए फ्रेंड सुंदर लग रहा है कि नहीं, कमेंट कर बताइएगा फ्रेंड, अच्छा लग रहा है, इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी नए अभी सब में भी देख सकते सामान से लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कल, चलो इसको दिखा ना, हमको पहन के दिखाएंगे यूट्यूब फैमिली लोगों को, है तो फिर मैं न्यू लुक दिखा दी, नाक का इतना बड़ा सा आया ना, मेरा नाक को अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी दिखा दी आप लोगों को, देखिए कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा, बट मेरा फेस में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बाद में कि सभी का फेस में अच्छा लगेगा, देखिए मैं अपना फेस को अपना ही बुराई कर रही हूँ, बट आप लोग बताइए कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बट ये ना सबके कपड़े में अच्छा लगेगा, बट ये ना वो नोज पे ना बड़े टाइट है, मेरे नोज में दर्द हो गया है, बड़ी टाइट है,
बट सुंदर तो होगा ही फ्रेंड, आप लोगों का नाक अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट और बोलिएगा फ्रेंड आप लोग कैसे लगा। तो चलिए अब जाते किचन में खाना बनाते हैं। घर पे मेहमान आने वाला तो बोर थे, बट उनको मैं फ़ोन कर पूछ रही कि आइएगा कि नहीं आए ना, तो क्योंकि फिर खाना है ऐसे फिर खाना फिर बर्बाद हो जाना ज़्यादा बनाएंगे, तो इसलिए तो फिर नहीं आ रहा। तो फिर आप लोग किचन के और भी ले चलते, अब रोई जी आ गए तो मेरा कैमरा पकड़ देंगे, तभी मैं क्या क्या बनाऊँगी वो आप लोगों पर चले आएगा। तो आप लोग स्वागत है, मुझे तब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को फ्रेंड। मेरा तो मकर क्या होगा फ्रेंड, मेरा कोई मकर उकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं ननंद के कपड़ा जो लिया था मैंने ननंद पहन चुकी है, तब लोग बताइए कैसे लग रहे मैंने ननंद और क्या मकर बनाए फ्रेंड बताइए ना। कभी मेरा तबीयत खराब हो रहा, कभी मेरे बच्चा का तबीयत खराब हो रहा। आज हम इतना अच्छा सोचे कि आज रेडी वेडी होकर के चलेंगे मैं डेढ़ सास का घर, उधर पूरा अच्छा डेकोरेशन हुआ आप लोग जैसे दिखाया था ब्लॉग पे, सोचे यही है। तो बट क्या करे फ्रेंड, हो भी नहीं कर। मैं बेटू का भी तबीयत खराब हो गया और भी पूरा रे 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 रो रो कर उसका बेचारा का ये हो गया। अभी गरम गरम सरसों तेल उसको हम लगा दिए क्योंकि अभी 2-3 दिन से बड़ा ठंडा है फ्रेंड। और पास जमीन में आप देख सकते हो जो यहाँ पे बिस्तर हमने अच्छे से बिछाए हैं, बट जो ओढ़ने का थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रहा, बट आज देखते हैं फ्रेंड कुछ ना कैसे भी बाबू कैसे हम ना पूरा अच्छे से ओढ़ा कर उसको रखते हैं फ्रेंड के साथ, कि इसलिए ऐसे हो रहा कि नजर लग गया ना क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोच कर क्या समझ रहा है, सर में दर्द हो रहा है क्योंकि बच्चा रहता ना फ्रेंड अच्छा नहीं लगता रहे ना। बेटा कुछ नहीं हो सो ना, मेरा बच्चा को आया होगा मैं लाडो को तो। और ऊपर से ना आज खाना वाना और नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं घर पर बनाए फ्रेंड। और आज मकर का दिन आज हमको बनाना चाहिए था, खाली हम चूड़ा दही गिरा देते मेरे पापा को, हम नहीं गिराए मेरी बहन गिराई ना कर क्योंकि हम नहाए भी नहीं क्योंकि शनिवार को हम नहाए थे, इसलिए आज संडे था। आज बाबू को नहला दिए थे सुबह में तो ठीक था, बट नहलाने के बाद उसको धूप में सलाए थे, उसके बाद फिर तबीयत खराब स्टार्ट हो गया बाबू का। तो नज़र साथ लगा ना क्या लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो कोई बात नहीं, भगवान रक्षा करेगा बाबू को। तो अभी हम भी जा रहा खाना वाना बनाएंगे रात के लिए, फिर शाम हो जाने से ना फ्रेंड बनाने का मन नहीं करता। रोटी उठी आटा वाटा सान लेंगे अभी, और ऊपर से ना पीने का पानी भी नहीं घर में, तो कैसे क्या करा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा डिचकी पानी है उससे भात बनाए कि रोटी बनाए, खुद कंफ्यूज हो जा रहा है। तो चलो फ्रेंड जो होगा आप लोगों को शेयर करते रहेंगे, देखते शाम तक अगर सप्लाई पानी 7 बजे तक आता है बोलता है तो 7 बजे देखेंगे सप्लाई पानी अगर होगा तो ठीक होता है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए ब्लॉग में कुछ भी नहीं फ्रेंड, कुछ भी नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ नया दिखाने का ब्लॉग। मेरा सारा चीज़ बोलना फ्रेंड बहुत मुश्किल से दिन गुजरता है, बहुत मुश्किल से मेरा सब कुछ होता है फ्रेंड, लेकिन आप लोग समझते नहीं है। बहुत कम नेगेटिव है कमेंट करते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा लगता है नेगेटिव कमेंट में तो नेगेटिव कमेंट करते रहिए। और जो मेरे पास रियलिटी है मैं रियलिटी दिखाऊंगी और रियलिटी बोलूँगी, जो रियल है मैं उनका रियलिटी बोलूँगी, तो इसलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को मजाक उड़ाना है मेरा बात को मजाक में उड़ाना है या मेरा गुस्सा दिलाने का नेगेटिव कमेंट कर जो करना है आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखते हैं कल 15 तारीख का, 15 तारीख का भी मेरा क्या होने वाला नहीं पता, हमको नहीं लगता है 15 तारीख भी मेरा मक्का ठीक गुजरेगा क्योंकि बच्चा ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बाबू कैसे उसका ना मतलब कि तबीयत जो मतलब एक बार टाटा में तबीयत खराब हुआ तो बाबू ना तो वही वाला हम जो है बुखार वाला दवाई है तो बुखार वाला दवाई बाबू कैसे खिला रहे हैं, तो बुखार वाली दवाई से कहाँ है अभी जब बाबू को पिलाए थे कहाँ रखे बुखार का दवाई, तो फ्रेंड खोज रहे बुखार का दवाई कहाँ है। अच्छा हाँ अरे इसके अंदर में मिल गया, बाबू के सामने ही मैं रख देगा ना मेरे बेटा को। तो ये चम्मच से ना 5 बूंद डाल करके मतलब अपना दूध में मिला के उसको पिला रहे बाबू को मतलब 1-1 घंटा का बाद। तो यहाँ पर ना 2 दवाई है, तो दोनों दवाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बाबू का मतलब 2 दवाई दिया था ना आपका बुखार और खांसी का साथ ऐसे दिया था, तो खांसी बुखार और सर्दी इसी का दिया था। तो बाबू का फिलहाल ये तो दूसरा दवाई वाला ना 10 बूंद पिलाना पड़ता बाबू को 10 बजे क्योंकि ये वाला है ना हड्डी मजबूत करने के लिए डॉक्टर दिया था, तो आप लोगों को वही दवाई से दिखेगा फ्रेंड। ये वाला है कि बुखार वाला,
कि अला बुखार का नहीं पता, हमको समझ नहीं आ रहा, हम दोनों पिला रहे फ्रेंड, क्योंकि बाबू का खांसी भी है इसलिए। तो चलिए आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, अगर मेरे ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए, और फ्रेंड प्लीज़ मेरे बाबू के लिए दुआ मांगिए भगवान से कि मेरा बेटू हमेशा खुश से रहे और अच्छा रहे, किसी का नज़र ना लगे और मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और उसका बदले भले मेरे को जो सजा भगवान देना चाहता है मुझे दे दे, बस मेरे बच्चा को थोड़ा से बुरी नज़र से दूर ही रखे फ्रेंड, है कि नहीं बताइए। मुझे यार मेरे को ना उतना समझ नहीं आता है फ्रेंड। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं फ्रेंड, तो फटाफट कमेंट कर बताइएगा फ्रेंड कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं स्वेटर पहन लिया, बस टोपी थोड़ा सा कंघी भी करके टोपी पहन लूँगी, स्वयं टोपी है और एक टोपी ना पूजा कर गंदा हो गया था ना धोने में, तो ये रोहित जी का टोपी है, तो रोहित जी का टोपी अभी हम इसे का पहन लेंगे। तो चलिए आप लोग इसे मिल रही है ब्लॉग पे, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जो जो मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय फ्रेंड।